लोगों के पास काम पहले नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो चीज किसी जमाने में 2 रुपए की आती थी आज वो 200 रुपए की आ रही है, इसलिए मैंने पहले से खरीद के रख ली थी। इतना मतलब बाहर के देशों में चले जाओ पाजी, वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ने के साथ साथ पैसा कमाते हैं। हमारे देश में ये हालत है, पढ़ाई खत्म भी हो जाती फिर भी नहीं पैसा कमा पाते। अब देखिए, एक एमए पास हो तो 15,000 रुपया, ठीक कह रहा हूं, और अगर डबल एमए की हो तो ज्यादा से ज्यादा 18,000, 3,000 बढ़ाने के चक्कर में 2 साल वेस्ट कर देता है। मैं तो कहता हूं पाजी, इससे अच्छा काम वाली भाई है, 2-4 बड़े बड़े घर पकड़ लो, 12-15,000 पक्का है, ऊपर से मालिक की मेहरबानी होगी, 12। सही बात है भाजी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है मेरे को ये बार का धंधा शुरू करना है, क्योंकि ये खाली ये बिजनेस है जो पूरे 12 महीने चलता है। बरसात हो रही हो, आदमी कहते वाह वाह बरसात हो रही है, दारू का मौसम है। गर्मी पड़ रही हो, आदमी कहते गर्मी पड़ रही है, बियर हो जाए तो मजा आ जाए। और सर्दियों में तो आप छोड़ ही दो, आपने अक्सर न्यूज पढ़ी होगी कि कड़ाके की सर्दी में 63 लोग कड़कड़ाती ठंड में मरे। तो ये 63 लोग वही हैं जो रजाई और कंबल के पैसे की शराब पी जाते हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा भाई तू कब कब पीता है, कहना मैं तब पीऊंगा जब इंडिया मैच जीत जाएगा। मैंने देखा मैच शुरू होने से पहले ही पी रहा था, मैं कहा ये क्या हो रहा है, कहता हमें क्या पता नहीं है हमारे भाई जीतेंगे। एक मेरा दोस्त इतनी शराब पीता हटता नहीं था, मैंने कहा यार तू शराब क्यों पीता है, कहता पाजी पीने को तो मैं दूध भी पी लूं। तो मैं कहा पीता क्यों नहीं, क्या करूं दूध सोडे के साथ जमता नहीं है। कॉम्बिनेशन। कहते शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी है, लेकिन ये रूल सिर्फ बाहर के देशों में लागू होता है, अपने लोग पुरानी होने कहां देते हैं। पर ये लोग कहते हैं कि शराब पीने से आदमी मर जाता है, मैं कहता हूं शराब से खतरनाक पानी है, टाइटैनिक डूबा। शराब में तो नहीं डूबा, पानी में डूबा ना, कितने लोग मरे, मैंने तो आधी फिल्म बीच में बंद कर दी थी, मैंने कहा जितने लोग मर गए बाकियों को तो बचाओ। हर किसी का पीने के बाद अलग अंदाज होता है पाजी, आप देखिए कभी प्लेन में सफर करें आप, अमेरिकन आदमी 2 पैग मार के ना लैपटॉप खोल लेता है, जर्मन आदमी 1 ड्रिंक मार के मैगजीन खोल लेता है, अपना इंडियन पिएगा, खोलना तो क्या अपनी खुद की सिपनी खुलती उससे। जिन तिजोरियों के खजाने लुट गए हो उनको ताले कभी नहीं लगाते। सच्ची बात है, अपनी सिपनी खुल रही, सीधा कॉकपिट में घुस जाते हैं, हट जा जहाज तेरा भाई चलाएगा। फरमाइशें अलग अपने लोगों की, ऊपर से पायलट मना करेगा उस पर भड़क रहते हैं, नहीं चलाने देना इधर ही उतार मेरे को। हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है। तो हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो काफी शौकीन भी होंगे, मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि शराब के बारे में सबकी क्या राय है, अलग अलग राय होती है जाहिर सी बात है। जी आप पीते हैं? कभी कभी शादी विवाह में। कभी कभी मतलब मुफ्त की मिले तो पी लेते हैं। अपना लाया आप पीते हैं? जी नहीं सर, कभी नहीं। मतलब आपको कोई शादी ब्याह में बुलाता नहीं? नहीं। कभी कभार पीते हैं? नहीं सर, कभी नहीं पीते। कभी नहीं पीते? नहीं सर। इधर आइए। पक्का? पक्का नहीं पीता सर। दारू नहीं पीते? ब्रश तो कर लिया करो। आपको पता नहीं आप में कितना पोटेंशियल है, सांस लेके बंदा मार सकते हैं। मैं किन बातों पड़ गया, मैंने अपना धंधा खोला, मैं देखूं कोई मेरे कस्टमर ना आते हो, मैं बाहर तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करते आ रहे। एक तो मेरे नौकर पता नहीं कहां मर गया, अरे अमू भाई तू बड़ा बंठन के घूम रहा है, कहां गया था तू? बंठन के घूम रहा हूं मैं, वो तो मैं दुकान पे गया था आटा लेने के लिए, मैंने जैसे बोला मुझे आटा चाहिए, फिर 15 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, इतना मारा उन्होंने, ये तो सामने किसी के तार के ऊपर लटक रहे थे, वो उतार के पहने मैंने। अरे ठीक है ठीक है। अरे वाह मालिक वाह, क्या बात है, फनेल की दुकान खोल ली।
इन लोगों को बोतल दो ही बार देखने को मिलती है, एक बार जब दिवाली में कोई रॉकेट चला रहा हो, दूसरी बार जब कोई हल्का होने के लिए जा रहा हो। दारू की बोतलें ये। तो ये शॉप खोलने के लिए पैसे कहां से आ गए हैं? पैसे कहां से आने दे, मैंने किडनी निकाल के बेच दी। क्या मालिक, आपने किडनी निकाल दी? हाँ, वैसे भी तो शराब पी के खराब ही नहीं है, मैंने कहा बेच दो। अरे मालिक, आप कितने महान हैं, कितने ग्रेट हैं आप, क्या आदमी एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है? हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे। अरे मालिक, मैं समझाने के किडनी तेरी किडनी निकाल के बेची मैंने। अबे यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती किडनी। यहाँ होती है नीचे। कैसी बात की, मेरी सारी फिटिंग उल्टी हो गई है। कब निकाली मेरी किडनी? अबे परसों जब तू सो रहा था ना, निकाल ली मैंने फिर। सो रहा था तब निकाली। हाँ। लेकिन चीरा तो आया नहीं। चीरा नहीं, मैंने मुंह में हाथ डाल के निकाली थी। तूने करनी भी क्या है? तो शराब पीता है, दो दो किडनियां तुझे क्या करनी है? हाँ ठीक है, मैं तो बंदूक भी नहीं चलाता, हाथ भी कटवा दो मेरे। फालतू की बातें मत कर, तेरे को पता है कितने में बिकी तेरी किडनी? कितने में बिकी? 20,000 में बिकी है मेरी किडनी, सिर्फ 20,000 में। जानते हो वो कितनी महंगी थी? स्टोन था उसके अंदर। कौन सा स्टोन था उसमें? कौन था? पुखराज और नीलम थे बे। शादी हो गई तो मेरे पति ने एतराज करना शुरू कर दिया। यू नो ना हाउ हस्बैंड्स आर इनसिक्योर। थैंक गॉड आपके पति ने मेरे डैड से आपको छीन लिया, वरना सोनाक्षी सिन्हा के बजाय सुदर्शन सिन्हा पैदा हो जाती। सिर्फ देखता रहेगा, हाय हेलो कुछ नहीं करेगा। 1953 में हम साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। हाँ, सच कह रही हूँ सोनू, यही है वो लौंडा, यही है वो लौंडा जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं जवान हुई हूँ। लव लेटर लेकर क्या करते हो दादी? इंटरव्यू चल रहा है, क्या कर रही हो तुम? मेरा इंटरव्यू मत खराब कर प्लीज दादी, मेरा काम पहले नहीं चल रहा, जा ना यहां से। तेरी सोनाक्षी और रणवीर के लिए जोरदार तालियां। ये क्या? ये क्या? ये साइड पे दे दे। ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे शो की तरफ से। जितने भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लेडीज रहती हैं। एक मेरी बुआ, एक मेरी दादी, जो भी आता है ऐसे ही करती है। सो सिर्फ मैं एक शरीफ हूँ। सो सोनाक्षी और रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। बेसिकली आप प्ले कर रही हैं उस टाइम की फिल्म जो 1953 में थी। ये ग्लैमर होता था 1953 में? नहीं बट अब हम आगे बढ़ चुके हैं ना, 2013 में आ गई तुम। अगर ऐसा ग्लैमर होता अंग्रेज तो कभी जाते नहीं। तो खैर, ये 50s की पाजी फिल्म बताई गई है लुटेरा, तो आपको तो पता है 50s की फिल्म में क्या होता था, पेड़ के इर्द गिर्द सारी कहानी खत्म हो जाती थी फिल्मों की, हीरो हीरोइन की। एक आध ऐसा सीन क्रिएट किया जाए, सुपोज सोनाक्षी आप 50s की हीरोइन है और रणवीर पेड़ है। नहीं सर, मेरी बात देखिए यार, तूने पेड़ बना दिया, कमाल हो गया। सर देखिए, हीरो से ज्यादा वैल्यू पेड़ की होती थी उस टाइम पे। हीरोइन इतना हीरो को टच नहीं करती जितना पेड़ से लिपटती थी। तो मेरे हिसाब से बने रणवीर आप यहाँ पे आइए, आप पेड़ बने हुए 50s के, पेड़ बनिए। बड़े किस्मत वाले पेड़ है। ये कौन सा फ्रूट? रजनीकांत का पेड़ लग रहा है। आपने आपने आम का पेड़ बनना है रणवीर, आम का पेड़, आम का पेड़। थोड़ा लंबा हो जाए, मैं थोड़ी नॉर्मल हीरोइन हूं ना। आम का पेड़, लंबा पेड़ चाहिए। हाँ, एक डाली यहाँ पे, एक डाली यहाँ पे है, ये डाली नीचे नहीं करनी, उस पे आम लगे हुए हैं, बच्चे तोड़ देंगे। ओके, मैं हीरो, हीरोइन वहां से आई, हीरो गाना गाता हुआ आ रहा है, मैं आ रहा हूँ केएल सहगल साहब के स्टाइल में, यहाँ से कुर्ते का बटन पकड़ा हुआ है। हमारा दिल टूट गया, हम क्या करें? प्रियतम, जब दिल टूट ही गया है तो क्यों ना फेविकोल से जोड़ ले।